पे बुला लिया। तुम्हारे ही बनाए हुए जाल में तुम खुद फंसोगी, तुम देखना दीदम। पहुंच गए हम लोग। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हारा इंतकाल हो गया है। नहीं तो, मैं तो जिंदा हूँ बिल्कुल, खुदा का शुक्र है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा? कहीं मैं वाकई तो नहीं मर गई? चेक तो करो। मेरी ड्राइविंग से सड़क चीखे मार रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल बुद्ध बन के बैठी हुई थी। मुझे लगा जैसे तुम ऊपर पहुँच गई हो। वैसे पहली लड़की देखी है जिसने मेरी ड्राइविंग पे चीखे नहीं मारी। इतनी तेज ड्राइविंग कर रहे थे तुम, मुझे तो पता ही नहीं चला। वाह 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 वाह, यानी मेरे मीटर की सुई टूट जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा। देखो डियर द्रुक, ठीक है मैं हॉस्पिटल में एक नर्स हूँ, बेशक लोगों को समझाती हूँ कि तेज ड्राइविंग ना करें क्योंकि जिंदगी बहुत ही कीमती शय है आखिर, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तेज रफ्तारी कोई बुरी चीज है। बल्कि सच कहूँ तो मुझे तो स्पीड से इश्क है। जी चाहता है कि रॉकेट में बैठकर खला में पहुंच जाऊं और उड़ती रहूं। असली तुम तो मुझे हर मामले में हैरान करती जा रही हो भाई। अब इससे भी ज्यादा तेज चलाना तुम द्रुक। नो, अब हमें नॉर्मल स्पीड के साथ पार्टी में पहुंचना है। अब आगे ट्रैफिक होगा, वहां तेज गाड़ी नहीं चला सकते हम। तुम चालान करवाओगी क्या मेरा? पार्टी के लिए रेडी हो ना? खुश आमदीद।